हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई है? ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, विप्रो, एचसीएल। आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 96वें स्थान पर है। इस सूची में किसी भी भारतीय कंपनी को प्राप्त या सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण पूरा कर लिया है, उसने इस वैक्सीन का क्या नाम रखा है? ऑप्शंस हैं रोगोजिन, रॉसकॉस्मोस, ग्लोनॉस, स्पुतनिक 5। आंसर है स्पुतनिक 5। रूस कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया है। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई ताकि अंडमान निकोबार को 400 Gbps इंटरनेट मिल सके? ऑप्शंस हैं 2312 किलोमीटर, 2512 किलोमीटर, 3012 किलोमीटर, 5815 किलोमीटर। आंसर है 2312 किलोमीटर। यह सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक समुद्र सतह में डाली गई है। इसके जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 2x200 Gbps यानी 400 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक नया युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। स्मारक के लिए त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहले से ही वॉर मेमोरियल, बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भारतीय सैनिकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शंस हैं जापान, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया। आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 अगस्त, 10 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। आंसर है 10 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTS स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, विराट कोहली या ए और बी दोनों। आंसर है ए और बी दोनों, यानी हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। आंसर है 50 मीटर। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक स्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर है कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कारीपुर एयरपोर्ट। एयर इंडिया की इस फ्लाइट को वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरना था। बारिश का पानी रनवे पर फैला हुआ था। पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड करवाया लेकिन प्लेन फिसलकर आगे बढ़ गया। आगे 35 फीट गहरी खाई थी, प्लेन सीधे खाई में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, वरुण मधेश, पीके नमस्कर। आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। यूपीएससी के अध्यक्ष में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ को योग्य भूमि बनाने की योजना किस इंटरनेशनल संगठन के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक। आंसर है विश्व बैंक। केंद्र सरकार की योजना विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े बीहड़ इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत। आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को दी है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत। आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं 56, 87, 101, 201। आंसर है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं 50,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए। आंसर है 1,00,000 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20,00,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का एक हिस्सा है। एग्री इंफ्रा फंड की अवधि साल 2019 तक यानी 10 साल तक के लिए है। इसके तहत कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए
रियायती यानी सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएंगे। इस फंड से गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियस पीपल्स कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। आंसर है 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। आंसर है 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, यह केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ। आंसर है दिल्ली। इसके स्थापना की घोषणा पीएम मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस हैं महिंदा राजपक्षे, राणा सिंघे प्रेमदास, गोतबया राजपक्षे, रानिल विक्रम संघे। आंसर है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के पीपुल्स पार्टी यानी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, मनोज शर्मा, प्रमोद भसीन। आंसर है प्रमोद भसीन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट अमन, प्रोजेक्ट सूर्या। आंसर है प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 350 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरोन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। आंसर है अक्षय कुमार। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय 6वें स्थान पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ
ड्वेन जॉनसन इस सूची में शीर्ष पर हैं, यानी पहले स्थान पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 11 जुलाई, 12 अगस्त। आंसर है 12 अगस्त। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शंस हैं राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज, इनमें से कोई नहीं। आंसर है राहत इंदौरी। मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था। राहत इंदौरी ने मुन्नाबाई एमबीबीएस, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगमजान, घातक, इश्क, जानम सर, आशिया और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी। आंसर है हाथी। राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंध भी करना है। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।